नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज आपको दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मधुबन तहसील के अंतर्गत विगत 1 तारीख को मधुबन थाने में पूरे स्टाफ ने एक लड़के को मारा था। उसी लड़के के सिलसिले में पूरे मधुबन नगर पंचायत के व्यवसायी जुटे और वहाँ के सामाजिक सेवक, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम ऐसे लोग जुटे जो सामाजिक तौर पर जो है काम करते हैं। आपको बताते चलें, ये जो आपको बोल रहे हैं ये लड़के के पिता हैं, इन्हीं के बच्चे को मारा गया है, गिरा गिरा करके रात भर 24 घंटे इनको थाने में रखा गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कितनी भीड़ हुई है। आपको बताते चलें कि मधुबन नगर पंचायत में सभी व्यापारियों ने कसम खाया है कि जब तक न्याय नहीं होगा, पूरे थाने को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक जो हमारी लड़ाई चलती रहेगी और दुर्गा माता का विसर्जन नहीं होगा, स्टाम्प पर नोटरी बनवा करके तमाम अधिकारियों को दिया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कितना रोष जनता में है और कितने लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार में जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति घोषित होती है और उस पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, आखिरकार आपको बता दें कि ये कैसा व्यापारियों के साथ न्याय हो रहा है। आपको बताते चले कि जो भी मामला हुआ है वो उस बच्चे के घर के लोग, कई लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ तक कि मऊ जिले के सभी भाजपा के कार्यकर्ता भी फोन किए, लेकिन उन सबों के साथ न्याय नहीं हो सका। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और आपको सुपर फास्ट न्यूज आगे और सुनवाता है आपको आगे। और आपको बताते चले कि ये लोग विगत पिछले दिनों जो है इन्होंने DM और SP को ज्ञापन भी दिया। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और थाने के लोग पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ के सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त जहां बात हो रही थी, जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही थी, वहीं पर हर तरह से पुलिस और प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार युक्त काम कर रहे हैं, आए दिन जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता में रोष है। और आपको बताते चले कि जनता में रोष के होने के नाते मधुबन नगर पंचायत के सभी लोग दुखी हैं। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और आपको आगे सुनाते हैं कि जिस बच्चे को मारा गया उस बच्चे के पिता क्या कह रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये मधुबन शहीद स्मारक की तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मधुबन शहीद स्मारक की तस्वीर है। 11:30 बजे हम लोगों को बता दिया गया, सारे लोगों को, यहाँ तक कि 50-55 सम्भ्रांत लोगों का, विधायक जी का भी फोन आया, लेकिन किसी की बात को नहीं सुना। SHO महोदय ने कहा मैं आपके लड़के को मारूंगा नहीं, मैं उसको जो है सुबह चलान कर दूंगा, आप जमानत करा लीजिएगा। हम लोग कहे चलो ठीक है। लड़का रात सुबह जब उसको भेंट हुई, मैं चाय पिलाने गया, बोला कि पापा मुझे बहुत मारा गया। मैं उससे पूछा कि कैसे, तब तक पुलिस वाले आ गए, क्या बात कर रहे हैं, चलिए बाहर निकलिए। चाय दे के हम लोग बाहर निकल गए। 3:30 बजे 4 बजे जमानत हुई। जमानत करा के आए तो कह रहा है कि जब दिखाया अपना पूरा शरीर, तो पूरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें उसको चोट नहीं लगी। हम लोग SP के यहाँ भी गए, DM के यहाँ भी गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई पुलिस वालों के खिलाफ। अभी रात में उसकी तबीयत खराब हो गई, हम यहाँ मधुबन प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, वहाँ कोई नहीं था। फतेहपुर ले गए, वहाँ 3 इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर बोला कि लग रहा है कि हेड इंजरी है, इसको आप मऊ ले जाइए और इसका CT स्कैन वगैरह कराइए। मैं सुबह उसको भेजा हूँ, वहाँ पे इलाज वगैरह हो रहा है, और पुलिस ने उसको इतना बुरी तरह मारा है। मारने का कारण क्या है और बदला लेने का कारण केवल सिर्फ एक है। तो वहाँ से जब वो लोग चले तो मेरा लड़का कहा कि मुझे माधवचोद भोसड़ी वाले कह रहे हैं, तो आप भी तो माधवचोद और भोसड़ी वाले हो सकते हैं, इतना ही उसका दोष है, इसके अलावा मेरे लड़के का कोई दोष वगैरह नहीं। और इस पर जो भी एक्शन लेना है, बाजार के सम्भ्रांत लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जैसा राय देंगे वैसा हमको काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं बाजार के लोगों से चाहता हूँ कि जैसे आज मेरे लड़के के साथ हुआ, वैसे कल आपके लड़के के साथ भी हो सकता है। इससे बचने के लिए, भविष्य में पुलिस वालों की गुंडागर्दी से बचने के लिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए और जितने भी यहाँ के SHO हैं, SI 2 SI हैं और 7-8 पुलिस वाले हैं, सारे लोगों को सस्पेंड करवाने में हमारी जो है आप लोग सहयोग। इसके अलावा एक बात और है, हमारे दुकान पे एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गरीब लड़का रहता है, बहुत ही शरीफ लड़का रहता है, वो उसको जो है बुलवाए कि गाड़ी पर पीछे कौन बैठा था। हम कहे कि वो ब्राह्मण है, पंडित है, वो बैठे थे,
वो हमको बुलवाया कि मेरे कौन है, हम गए कहा कि जो पीछे बैठा था उसको बुलवाइए, हमको पूछताछ करनी है, पूछताछ करनी है। तो मैं उसको 11 बजे लेकर गया ब्राह्मण के लड़के को, 11 बजे तक नहीं केबिन में घुसा कर पर्दा चढ़ा कर उसको इतना मारा गया उसका ये सब हिस्सा एकदम लाल हो चुका है, बहुत ही बुरी तरह उससे मारा गया और हाथ से भी मारा गया, पीठ पर उसको भी गंभीर चोटें आई हुई हैं, दोनों लड़के।